मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन की संगीतमय शुरुआत हुई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। सीएम ने भारतीय युवाओं की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि आज वे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने कौशल का परचम लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए आज सचमुच में अनेकों क्षेत्रों में। भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत। और आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक। अर्थ शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति बनाना है, इसके लिए जरूरी है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। और भारत के नौजवान नवाचार कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन एक आइडिया पर्याप्त नहीं है, उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पर चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टर कार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय